भूमि पूजन के 8 साल बाद भी नहीं बना घिसरी नदी पर पुल। पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं दर्जनों बच्चे। डूंगी पलटने से कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। जिम्मेदार शासन प्रशासन नहीं ले रहा है मामले की सुध। जिले में मूसलाधार बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। लांजी और किरनापुर क्षेत्र में जमकर हो रही है बारिश। कई मकानों में भी पानी भरने की है खबर। और दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जिला स्तरीय कार्यशाला का 2 अगस्त को होगा आयोजन। एससी एसटी के युवाओं को उद्योग एवं व्यापार से जोड़ने और मदद दिलाने के लिए दिया जाएगा मार्गदर्शन। कोऑर्डिनेटर नवीन डहाटे ने की युवाओं से पंजीयन के लिए अपील। प्रदेश के बालाघाट जिले में स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। बारिश के चलते इन दिनों नदी नाले उफान पर है। इसी का जायजा लेने ई न्यूज ने मंगलवार को जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर परसवाड़ा बोरी के बीच बहने वाली खिसरी नदी का जायजा लिया तो पता चला कि शिक्षा हासिल करने दर्जनों बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि डोंगी में सवार कई बच्चों को तैरना भी नहीं आता। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो बच्चों की जान पर कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बच्चों ने बताया कि लिंगा परसवाड़ा में यह समस्या आज़ादी के दशकों बाद से बनी हुई है, जिसे लेकर दर्जनों शिकायतें राज्य शासन के नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों से की गई है, लेकिन आज तक पुल निर्माण के लिए किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजतन हालात बद से बदतर बने हुए हैं। मैं कक्षा 12th में पढ़ती हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगा। हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव में पुल नहीं बन पा रहा है और हमें इतनी समस्या हो रही है, हम बता भी नहीं पाएंगे कि हमारी हमें कितनी समस्या होती है। हमने कई बार ऐसा मतलब हम बोची भगत के पास भी गए थे, उन्होंने भी कुछ बस हमें कहा कि बस बना देंगे हो गया, पर आगे कुछ किया नहीं उनने। तो नाव से आप आना जाना करते हो, कितनी तकलीफ होती है, कितना डर लगता है? तकलीफें होती है हमें, हम आपको बता भी नहीं सकते इतनी तकलीफें होती है। कई बच्चों तो छोटे छोटे बच्चे भी जाने के लिए डरते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ समस्या है। वर्तमान विधायक कौन है आपका? वर्तमान जी मधु भगत। उन्होंने क्या बोला, उनके पास गए थे? यस गए थे जी, यहीं पे परसवाड़े में आए थे वो। तो उन्होंने कहा कि बनवा देंगे, बस बनवा देंगे ऐसे ही बोलते हैं, पर कुछ करते नहीं। अच्छा, नावा पलटने की भी घटनाएं होती है? हाँ, नावा पलटने की भी घटना होती रहती है, यहाँ पे 2-3 बार तो हो ही गई है। ग्रामीणों का मानना है कि क्षेत्र के अधिकांश किसानों की जमीनें बोरी गांव में है, जिन्हें खेती किसानी के लिए नदी पार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बाढ़ की स्थिति में वे किसानी कार्य भी नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें फसल उत्पादन में हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ की खेती परसवाड़ की खेती मेरी बोरी में है और बोरी के काश्तकार हैं। यहाँ जानवर जो जाते हैं बैल, वो नहकने नहीं पाते और कई दिन बाद बंद रहती है, परहा लगाना बंद रहता है और नाव में कभी कभी डूब भी जाती नाव। वैसे यहाँ एक आदमी और मर गया। किस वजह से मर गए? वही नाव डूब गई। अच्छा, कितने बार ऐसी घटना हो गई है ये नाव से? दो कई बार होती है, पर कई तीरने वाले होते हैं यहाँ पे तो वो कुछ निकाल लेते हैं, कई बार नाव डूब जाती है और बहुत तकलीफ होती है। मंगलवार को जब ई न्यूज की टीम यहाँ पहुँची तो पता चला कि क्षेत्र के पूर्व विधायक कंकर मुजारी भी यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने न केवल बच्चों की समस्या को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा बल्कि बच्चों के साथ डोंगी में सवार होकर इस गंभीर समस्या का डर के साए में अवलोकन भी किया। मुंजारे ने कहा कि 8 साल पहले भाजपा विधायक एवं मंत्री के हस्ते भूमि पूजन किया गया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसे में शासन प्रशासन का उदासीन रवैया स्कूली बच्चों के लिए कभी भी गंभीर घटना का कारण बन सकता है। ये जिंदगी को दांव पे लगा के आने जाना करते हैं, पढ़ाई आना जाना कर रहे हैं, कभी भी खतरा हो सकता है इनको, कभी भी उसकी बात नहीं बोल सकते कि कब क्या हो जाए, कोई दुर्घटना हो सकती है। और उनके माता पिता भी बेचारे इतने हिम्मत करके अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। लिंगा में हर सेकेंडरी स्कूल में रोज पढ़ने आना पड़ता है इनको। शासन को चाहिए था कि पुल बना के दें, वो बहुत आवश्यक है पुल बनाना।
15 साल हो गए शिवराज सिंह सरकार को, और यहाँ लगातार 10 सालों से मंत्री गौरी शंकर बिसेन, इस क्षेत्र के विधायक भी उनकी पार्टी से एक बार अच्छों का नामों का, और अभी वर्तमान में सांसद भी उनका, इसके पहले भी सांसद थे, अभी सांसद बोध सिंह भगत है, क्रिकेटी देशमुख थे, और ये सब लोगों ने भी मिलकर सरकार बनने के बाद भी इस पुल को नहीं बना पाया, बल्कि 7-8 साल पहले उन लोगों ने भूमि पूजन किया था, गौरी शंकर बिसेन, नानो कौर, केड़ी देशमुख। अब जब कोई भूमि पूजन कर रहा है तो मतलब वो काम शुरू होना चाहिए। तो चुनाव में वोट लेने के उन्होंने लोगों को गुमराह किया और झूठ बोल के वोट ले लिया। कितने साल पहले भैया, कौन से साल? मतलब लगभग 8 साल पहले। ये बहुत ही मतलब जनता के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया। खुद आ जाए हुए, आप क्या करेंगे? और ये हालत देख के तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, और भाव भी बहुत तेज इसका है। लेकिन हम इसको पुल बनाने के लिए सरकार से बोलेंगे, उस पर एक लड़ाई लड़ेंगे, उस पर संघर्ष करेंगे। पुल हर कीमत में यह बनना चाहिए। यहाँ के परसवाड़ा के किसानों की जो है खेती बाड़ी भी वहाँ पे बहुत है, कम से कम 300 एकड़ खेती वहाँ पे होगी। सब किसान को रोज जाना होता है उनको खेती के काम करने के लिए, परा लगाना है, निंदाई करना है, खेत में काम करना है, इसके जाना आना पड़ता है उनके, वो भी बहुत परेशान, उनकी भी जिंदगी खतरे में है। तो भैया अभी छात्रों के साथ आप नाव में जाएंगे क्या, उस तरफ की किस तरह किस हालात में वो जाते हैं? हाँ मैं जाऊँगा ना, मैं खुद भी उसका अनुभव करूँगा जाके कि कैसे वो लोग जाते हैं, कितना वो खतरे को मोल लेते हैं, जान से जिंदगी से खेल के जाते हैं। हम भी जाएंगे।